कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भी मोड़ लेते हैं अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, जैसा कि हमने राहुल गांधी का देखा है। अब बात करूंगी मैं अमित शाह की, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कहा जाता है कि जब आपका बुध स्ट्रांग होता है तो वाणी आपकी बहुत मजबूत होती है, और बुध मजबूत होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव आपके वक्तव्य पर पड़ता है, जिस तरह से आप बोलते हैं, आपकी बोलने की शैली है। अगला सवाल मेरा पालू चौधरी जी आपसे है, अमित शाह की अगर हम बात करें, वोकल काफी स्ट्रांग है उनका, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन इस बार क्या कहते हैं उनके सितारे, उनके बारे में भी जरा भविष्यवाणी कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल भी किया है, और सपोर्टिव मैं बोलूं, सेकंड अगर हम मोदी के बाद कोई फेस देखते हैं तो वो अमित शाह का ही देखते हैं। जैसे कन्या लगन की उनकी कुंडली है अमित शाह जी की, छठे भाव में उनके इस टाइम पे शनि चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, उनकी जितनी भी तारीफ करो अभी तो कम मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल आगे डंके की चोट पे सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जो उनके हेल्थ इश्यूज हैं वो तो थोड़े से इनको आगे देखने पड़ेंगे, आज से अभी से जो इनका मंगल चेंज हुआ, जो कल स्वयं राशि में गया है, तो वो इनके लिए बहुत ही आगे लेके इनको जाने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा रहने वाले हैं, अच्छा समय इनका रहने वाला है, 45 दिन का, और जिनके कार्यकाल जो भी शपथ ले लेगी बीजेपी उसके बाद से जिनका कार्यकाल है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। अमित शाह जो हमेशा से मशहूर रहे हैं अपने कार्यों को लेके और अपने भाषणबाजियों को लेके, जो एकदम से ये बोल देते हैं, और अनप्रडिक्टेबल सी इनकी भी सिचुएशन है। मैं बोलूँगी मोदी जी का और अमित शाह जी का ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर सा इनका करेक्टर ट्रेट्स आते हैं, जब दोनों जो काम करते हैं एकदम से अचानक से करते हैं, दोनों का जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से आगे जाके लंबे समय तक इन दोनों का कार्यकाल चलेगा और इन दोनों की एसोसिएशन चलेगी, अलायंस अगर मैं बोलूँगी, अगर मोदी के बाद कोई फेस आएगा तो अमित शाह का ज़रूर आ सकता है। तो इनकी कार्यकाल की नीति बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है, और देखिए बहुत ही सीधा सीधा साफ सा अभी तो दिख रहा है बीजेपी ने जीतना है, एनडीए ने जीतना ही है, तो इनका बहुत ही बढ़िया आगे चलने वाला है कार्यकाल जी। और अब अगला सवाल प्रियंका गांधी को लेकर होगा, राजनीति, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सिर्फ नीति बनाने से राजनीति में काम नहीं चलता, आपकी कुंडली में आपके ग्रहों का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने कितनी रणनीति बनाई, लेकिन उस तरह का रिस्पांस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, जो कि हम बात कर रहे हैं। वानिया जी से मेरा अगला सवाल प्रियंका गांधी को लेकर, खूब चुनाव प्रचार उन्होंने किया और लगातार डटी रहीं, लेकिन क्या उनकी कुंडली में वैसे सितारे हैं कि राजनीति में आगे बढ़ने का जो योग है वो पूरा हो पाएगा? थैंक यू शीनम जी। प्रियंका गांधी की अगर मैं कुंडली की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं बिसाइड्स इतना सब करने के बाद भी मुझे उनके कुंडली ग्राफ में थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल नज़र आता है, और अभी ऐसा कुछ एट पार मुझे नहीं दिखता। अगर मूलांक की बात करते हैं तो मूलांक 3 पर है, कुआं नंबर 5 पर है, जो कि लक फैक्टर होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, भाग्यांक 5 और पर्सनल ईयर 3 पर है। उनके ईयर एंड का अगर हम टोटल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 9 पर आता है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेहनत तो वो बहुत करती हैं। मंगल का नंबर है, महादशा अभी सूर्य की चल रही है, अंतरदशा सूर्य की चल रही है, सूर्य सप्तम में होके वर्गोत्तम में है, सेकंड हाउस में इनका केतु है, अष्टम में इनका राहु है, कहीं ना कहीं अष्टम का राहु इन्हें प्रॉब्लम करता है, बुध आदित्य योग इनके कुंडली में है। एक की पॉइंट जो है इनकी कुंडली में वो ये है कि इन्होंने जो अपना वाराणसी में करियर स्टार्ट किया था वो अमावस्या के दिन किया था, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो इनकी सेल्फ की डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि इनकी वाणी भाव में केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस पर उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे उनकी भाई का या उनकी माता का, तो बिना पूछे वो डिसीजंस जल्दी से नहीं ले पाती हैं, तो अगर वो अपने डिसीजंस खुद इंडिपेंडेंटली लेंगी तो उनकी लाइफ के लिए और उनके करियर के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। फिलहाल उनका ग्राफ एक मीडियोकर ग्राफ की तरह ही नज़र आता है, कोई ऐसा बहुत, मतलब राजनीति में उनका करियर कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा अभी नहीं दिखता है। और इसके अलावा जो है चंद्रमा नीच का है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल हेल्थ, एक मेंटल एंग्जाइटी, और नीच का होके छठे भाव में है, तो एक डिप्रेशन और कहीं ना कहीं मेंटल एंग्जाइटी और चीज़ों को डिसीजंस ना ले पाना, एट टाइम्स लाइट लो हो जाना, एट टाइम्स लाइट हाई हो जाना, कई बार शब्दों का, वाणी का, कि लाइक चॉइस ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं, वो कई बार उनकी कुंडली में जो है नहीं आ पाता है, तो वो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो एक्चुअली आने चाहिए बींग अ पॉलिटिशियन, कभी कभी ऐसा होता है। उनका आने वाला जो 2027 के बाद वाला टाइम है वो आगे अच्छा रहेगा, बट फिलहाल उन्हें थोड़ी सी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है वाणी जी, ये तो हमने बात की, हम लगातार नेताओं की बात कर रहे थे, ये तो नेताओं की बात हो गई, लेकिन
कहा जाता है मनीषा जी कि पार्टी के भी अपने सितारे होते हैं और वो पार्टी के सितारे भी मैटर करते हैं जीत के लिए। और इस बार बीजेपी का जिस तरह से पूरे एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें बीजेपी का जो सहयोग है, अकेले अपने दम पर भी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के भी क्या सितारे होते हैं, क्या पार्टी के भी सितारे होते हैं, और होते हैं तो क्या कहते हैं वो सितारे? अब अगर बीजेपी की कुंडली को देखें हम तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब जो दशा चल रही है इस पार्टी को इस समय वो है चंद्रमा में बुध में शुक्र। अब शुक्र की जो ब्यूटी है वो देखिए आप दशांश में, जिसे हम कर्म के लिए देखते हैं या करियर ग्रोथ के लिए देखते हैं, वहाँ पर शुक्र उच्च के मीन राशि में बैठे हैं और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर नवांश में देखें तो बुध वृषभ लग्न की ये नवांश है, इसमें लग्नस्थ हैं और शुक्र एकादश भाव में फिर से एग्जॉल्टेड हैं। तो यहाँ पर अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग आ रहा है और बहुत ही पावरफुल योग आ रहा है इस स्ट्रेंथ के आगे। तो अब ये कहना, ये क्या ही कहेंगे कि कोई और जीतेगा, ये तो बहुत ही क्लियर विक्ट्री है। और ये विक्ट्री इस बीजेपी की इस कुंडली से हम ये बता सकते हैं कि ये विक्ट्री सिर्फ 2024 की नहीं है, ये विक्ट्री 2029 की भी है। बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी 2029 में, क्योंकि ये पार्टी के चार्ट से बहुत ज़्यादा ही क्लियर है। अब अगर हम देखते हैं कांग्रेस की कुंडली को बीजेपी की कुंडली से हम कंपेयर करते हैं, तो कांग्रेस की कुंडली एक मीन लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य और शुक्र दशम भाव में बैठे हैं। सूर्य इस कुंडली का षष्ठेश है और शुक्र इस कुंडली का अष्टमेश है, दोनों युति बनाकर दशम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि बृहस्पति दशमेश है और अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब जो दशाएं चल रही हैं वो है बृहस्पति में राहु में सूर्य। इन दशाओं में कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करती, मगर अगर जैमिनी की चर दशाएं देखी जाएं जो कि बहुत सटीक रिजल्ट्स देती हैं, तो मीन राशि की ही अंतर दशा चल रही है। यहाँ पर सूर्य अमात्य कारक है और दशम भाव में बैठा है, इससे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगी इस बार।